योगी सरकार के मंत्री और सांसद एक अधिकारी को लेकर एक मत एक राय होने को तैयार नहीं। सांसद इसे भ्रष्ट बता रहे हैं तो मंत्री जी बाकायदा लिखित तरीके से अधिकारी को बात साफ बताने में जुटे हैं। मामला मऊ के पीडब्ल्यूडी विभाग का है, जहां बीजेपी सांसद कुछ वक्त पहले औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और अधिशासी अभियंता तो कार्यालय से नजर देखकर भड़क गए थे। साथ ही बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने पूरे विभाग का जायजा लिया। 31 मार्च तक काम क्लोज न होने पर खुद क्लोज कराया और फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराया। लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को ये भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरीके से पाक साफ नजर आ रही है, जिसके लिए मंत्री जी ने बाकायदा अपने लेटर पेड पर अधिकारी को ईमानदार बताते हुए उसकी पैरवी भी कर डाली है। तो पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर आखिर दो राय क्यों हैं? आपको बता दें कि सांसद ने भ्रष्ट बताया है तो मंत्री जी उसे पाक साफ बताने में जुटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने अपने लेटर पैड पर दरअसल न सिर्फ पाक साफ बताया है बल्कि पैरवी की है उस अधिकारी की। इसके अलावा आपको बता दें कि सांसद ने इस अधिकारी को दरअसल भ्रष्ट बताया। फाइलें फूकी गई, अब हमारे समझ में आ रहा है कि घोटाला का भी प्रतीक रही हो और अभी भी जल्दी इसने फर्जी आंकड़ा दिया है गड्ढा मुक्ति का। इसने तमाम मऊ जिले में आप लोग देख ही रहे हैं, मगर सब सड़कों को भी गड्ढा मुक्त बताया है, तो ये सब पैसा उतार लिया है। तो ये तो भ्रष्टाचार का ये एक तरह से चाहे इसको अकंठ भ्रष्ट अधिकारी है। ये निराधार है, उसकी जांच हो सकती है, कराई जा सकती है, आगे भी कराया जा सकता है। सस्पेंशन का भी आदेश था, नहीं भी नहीं हुआ मंत्री के दबाव में? नहीं नहीं, ऐसा है, सस्पेंशन किस बात का? सस्पेंशन हमने ऐसा कोई काम किया हो तो बताइए सस्पेंशन इस बात का हो? सस्पेंशन तो कहीं कोई आप गलत काम करते हैं उस आधार पर कोई न कोई बात होती है। जब वो चीज़ें कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं, हमने किया ही नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं उठता। सांसद बिल्कुल आमने सामने नहीं है, बिचौलिए इसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार जहां यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों को दुरुस्त करने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं प्रदेश के ही मंत्री कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी में लगे हैं। जहां पर ताजा मामला पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का आया है, जहां पर जिले के सांसद ने छापा मार करके करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की बात की थी, वहीं एक मंत्री ने उनको जो है टिकट तक जारी कर दिया। हमारे पास जिले के सांसद बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि आपने छापा मारा था कुछ समय पहले और करोड़ों का भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इस पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर, आपने आरोप लगाया था और जांच पत्र भी आपने भेजा था, जांच भी आई थी, लेकिन आप ही के बीजेपी के मंत्री जो दारा सिंह चौहान है उन्होंने जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ऐसा क्या जरूरत पड़ी उनको? ऐसे इस इंजीन एक्सियन को जो पीडब्ल्यूडी है, चौरसिया एक्सियन है, वो करीब 31 को सारे खाते क्लोज हो जाते हैं। मैं छापा मारा तो वह 15 अप्रैल तक जो है क्लोज नहीं था, हमको क्लोज करना पड़ा, दस्तखत करना पड़ा। वह जांच हुआ है, उनका अधिशासी अभियंता आजमगढ़ का जांच अधिकारी एसी जांच अधिकारी थे, उन्होंने बलिया के उन्होंने इनको सस्पेंड करने के लिए आरोप सिद्ध कर दिया, सस्पेंड करने के लिए अपनी संस्तुति भी प्रदेश सरकार को दे दी। तो बिल्कुल ये काफी गंभीर विषय है कि एक जिले के सांसद जो है पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी देखने की जरूरत और समझने की जरूरत है। रविन्द्र सैनी, समाचार प्लस, मऊ। तो एक अधिकारी को लेकर सांसद और मंत्री की दो राय, ज्यादा जानकारी इस बीच मेरे सहयोगी रविन्द्र से। रविन्द्र, सांसद भ्रष्ट बता रहे हैं उस अधिकारी को और खुद मंत्री उसकी पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल, बता रहे हैं कि दोनों बीजेपी के ही नेता हैं और ये बीजेपी के सांसद ने छापा मारा था और करोड़ों का घोटाला इन्होंने पकड़ा था, जिसपे इन्होंने निलंबन की कार्रवाई के लिए जांच के लिए पत्र भी मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक को लिखा था। लेकिन उन्हीं के सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, इन्होंने रविंद्र, इस बीच सीधे हमारे साथ सांसद हरि नारायण राजभर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। राजभर साहब, आपने छापा मारा था और उस दौरान इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी अनियमितता मिली थी,
लेकिन अब उस अधिकारी को कैबिनेट मिनिस्टर पाक साफ बता रहे हैं। हेलो जी, वो इंजीनियर बहुत भ्रष्ट है। हाँ। उसकी जांच भी हो चुकी है जी, विभाग उसको प्रमाणित भी कर दिया है, सस्पेंशन के लिए आदेश दे दिया है, और वो महाभ्रष्ट है। उसको एक मिनट जिले में नहीं रहना चाहिए। हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी इस स्तर के इंजीनियरों में यह अति भ्रष्ट है। राजभर साहब, बड़ा सवाल तो ये है कि आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर पाक साफ बता रहे हैं, अपने लेटर पेड पर लिखकर बाकायदा पैरवी कर रहे हैं उस अधिकारी की। अब ये उनका काम है, वो क्या लिखते हैं हमसे इससे मतलब नहीं है। बाकी इंजीनियर महाभ्रष्ट है जी, जी। जो एक मिनट उसको रखना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सरकार को उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। राजभर साहब, जिस वक्त आप पहुंचे थे, आपने छापेमारी की कार्रवाई वहां पर की थी, अधिकारी नदारद नजर आए थे, और उस बीच घोटाले मिले थे करोड़ों के। तो इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे मामले को लेकर अब कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह अधिकारी की पैरवी कर रहे हैं। खुद लेटर हेड पे बाकायदा उन्होंने लिखने के बाद में न सिर्फ पैरवी की है बल्कि पक्ष लेते नजर आए हैं वो। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप कि आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर उस अधिकारी की पैरवी कर रहे हैं जिस पर आपने लापरवाही के आरोप लगाए? ओ, जबकि हर स्तर पर उसको आजमगढ़ का एक्शन, उसको जांच कर या रिपोर्ट दे दिया कि इसको सस्पेंड किया जाए। हाँ। ये तमाम अनियमितताएं किया है और इसकी पुष्टि हो करके यानी सचिव स्तर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के यहाँ से भी चला गया है शासन में। अब वो क्या हो रहा है हम नहीं बता सकते हैं। बाकी अति भ्रष्ट है और हर जगह से उसकी पुष्टि हो चुकी है। कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। राजभर साहब, एक और बहुत छोटा सा सवाल है, जब आप पहुंचे थे वहां पर तो किस तरीके की खामियां वहां पर मिली थी, क्या घोटाले थे और क्या कुछ सामने आया था? ओ सारे चीजें, यहाँ तक कि फर्जी उसने संविदा जारी किया था जी। और 31 मार्च के बजाय 16 अप्रैल को उसने अभी क्लोज नहीं किया था खाता, जबकि हमको क्लोज करना पड़ा, जा करके दस्तखत करनी पड़ी। हाँ। यह तरह के उसका कितना अनियमितताएं हम गनाए आपसे फोन पर, वो अति हम तो सारे अनियमितताएं उसकी फाइल में संलग्न है, फाइल में है जी जी जी। लेकिन आप चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन राजभर साहब, अब आप क्या कदम उठाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि पैरवी कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे में अधिकारी पर कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी का अभियान है भ्रष्टाचार से संघर्ष करना, हमारे पार्टी का अभियान है भ्रष्टाचार से संघर्ष करना। हम भ्रष्टाचार से संघर्ष करते रहेंगे जी। तो भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा राजभर साहब आपकी ओर से? अरे उसके खिलाफ हम हमेशा इसको सजा दिलाने के लिए सरकारों से अपील करेंगे। अब सरकार का काम है क्या करता है। तो क्या आप ये पूरा मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ आप खड़े हैं। हम कुछ नहीं खड़े हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं जी। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर खड़े हैं ना सर पैरवी करने के लिए? ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मोदी जी का अभियान है मऊ को भ्रष्ट मुक्त जिला बनाना है, इसमें अधिकारी बाधक आ रहा है जी। राजभर साहब, आप उन कैबिनेट मिनिस्टर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भ्रष्ट बता रहे हैं अधिकारी को, आप बता रहे हैं कि तमाम खामियां वहां पर पाई गई हैं, और अब इसको किसको करेंगे? राजभर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप ही की पार्टी के, दारा सिंह जी, जो भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी कर, लोक निर्माण मिनिस्टर नहीं ना है। मैं लोक निर्माण मंत्री को भी लिख के दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री को भी लिख के दे चुका हूँ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाजपा लिख के देंगे जी जी जी। तो अब क्या चाहते हैं आप कि आपने भाजपा अध्यक्ष को लिखा है, आप खुद मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, इस मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? हमें उस कर्मचारी वो एक्शन के भ्रष्टाचार से मेरी लड़ाई है, हमें अंतरी मंत्री के बारे में क्या करना है, उनको हम क्यों करें? चलिए, बिल्कुल राजभर साहब, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, समाचार प्लस के साथ जुड़े, और आपने तमाम बातचीत की। तो वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को लेकर वो काम कर रहे हैं, और इस अधिकारी को लेकर वो आगे तक बातचीत करेंगे।